हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। तो और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे चैनल पे प्रीवियसली कुछ वीडियोस में जो क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द काउंसलिंग ऑफ 10th बेस, 12th बेस एंड बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक कोई भी जेके वो भी किसी कोई भी अपडेट नहीं आया रिगार्डिंग द काउंसलिंग ऑफ दीज कोर्सेज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10th बेस पैरामेडिकल का कोई ना कोई अपडेट इस वीक में ज़रूर आ जाएगा, और 12th बेस का भी सेकंड वीक में या थर्ड वीक में कोई ना कोई जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ करेंगे। और चांसेस हैं कि 12th बेस पैरामेडिकल का जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, अगर फॉर्म ज़्यादा होते हैं तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है। फ्रेंड्स, अभी जो प्रीवियस कुछ वीडियोस थी उसमें मेरे को कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग द एडमिशंस, तो मैंने सोचा कि उन क्वेश्चंस को मैं कवरअप करूँ इन दिस वीडियो, इन माई क्वेश्चन आंसर सेशन, जो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, जो आपके डाउट्स हैं, जो आप क्वेश्चंस पुटअप करते हैं बिलो माई जो भी वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ उसके नीचे। अब इन्होंने ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं अब जो टेकअप करूँ, जैसे इन्होंने पूछा कि अगर 12th बेस पैरामेडिकल का एंट्रेंस हुआ तो कितना टाइम पहले बता देंगे। इन्होंने बोला है कि अगर 12th बेस पैरामेडिकल का पेपर होता है तो आई थिंक 15 से 15 to 20 days बिफोर दे विल इन्फॉर्म अस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो एंट्रेंस है 12th बेस पैरामेडिकल का, मैं एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि CBSE जो पैटर्न के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CBSE में पेपर्स दिए हुए हैं बोर्ड में, उनके जो परसेंटेज होते हैं इतनी हाई नहीं होती एज़ कम्पेयर टू JK बोर्ड, मतलब थोड़ा सा रहता है, तो उनके लिए एक डिसएडवांटेज है अगर एंट्रेंस नहीं होता है तो, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। अब लेट्स सी JK बोर्ड क्या डिसाइड करता है, JK बोर्ड क्या डिसाइड करता है। जैसे अब इन्होंने पूछा है कि बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब होगी, बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और मुझे ये भी लगता है कि बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है उसका भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद कई सब्सक्राइबर्स ने थैंक यू किया है, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो, सपोर्टिंग अस, ठीक है, फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल ने पास्ट 2 ईयर्स कम्प्लीट किए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और इन्होंने बोला फिर भी सर आपको को क्या लगता है कि 1 से 500 के लिए काउंसलिंग के लिए फिर से होगा कुछ, तो बोलो सर। इन्होंने ये पूछा था, एक्चुअली क्वेश्चन ये पुटअप किया था कि जो उन्होंने फर्स्ट से लेके 500 रैंक के बीच में जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड की थी उनको दोबारा से अब काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सब्सक्राइबर्स को आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी काउंसलिंग हो चुकी है तो मे बी कि उनको दोबारा नहीं बुलाया जाए, और ये चांसेस भी हो सकते हैं कि वो काउंसलिंग को टोटली पोस्टपोन करके एक नए तरीके से काउंसलिंग को किया जा सके, लेकिन इसका कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। सर आई गॉट 32 पॉइंट्स ST कैटेगरी इफ देयर एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग, आपके पॉइंट्स काफ़ी लोअर साइड पे हैं, लेट्स सी। गवर्नमेंट का तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेट के चांसेस आर देयर कि प्राइवेट आपको मिल जाएगा। इन्होंने भी थैंक यू बोला है फॉर दिस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्टिंग अवर चैनल। उसके बाद इन्होंने कुछ टूर एंड टूरिज़्म के बारे में कुछ क्वेश्चन पुटअप किया था, उसकी मेरे को नॉलेज नहीं थी तो इसलिए मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। सर कब तक हो सकता है 10th वालों की काउंसलिंग, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कोई ना कोई ज़रूर अपडेट आएगी रिगार्डिंग द काउंसलिंग ऑफ 10th बेस पैरामेडिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 12th बेस पैरामेडिकल काउंसलिंग आई थिंक मिडल ऑफ अगस्त में कुछ ना कुछ स्टार्ट हो सकती है, चांसेस आर देयर। इन्होंने भी यही पूछा 12th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग का, तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग हो सकती है, 64% एनी चांस। आई थिंक इन्होंने जो मेडिकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की वीडियो पर ये कमेंट किया था, चांसेस आर देयर बट आई थिंक इन प्राइवेट मे बी, क्योंकि कैटेगरी भी नहीं है आपकी। इन्होंने आई थिंक इन्होंने पूछा है 10th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग के बारे में, इन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है इस वीडियो के नीचे, तो मैं ये बता दूं अभी तक डेट कंफर्म कोई नहीं हुई है। और इन्होंने JKCET के बारे में पूछा, JKCET इंजीनियरिंग का काउंसलिंग भी वो अगस्त में कोई ना कोई अपडेट आएगी, आई थिंक मेरिट बेसिस पे होगा इसका, क्योंकि मेरे को जहाँ तक ये सुनने में आया है कि फॉर्म्स इसमें कम लगे हैं, सो एंट्रेंस टेस्ट के चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि कम हैं।
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अवर चैनल। सर जगह वो भी बी फार्मेसी की काउंसलिंग कब होगी? बी फार्मेसी में भी टाइम है, अभी कोई ना कोई अपडेट आएगी, अभी तक किसी की अपडेट नहीं आ रही। पता नहीं क्यों जेके पोपी अभी तक अपडेट क्यों नहीं दे रहा। किसी भी कोर्स की वेरियस कोर्सेज आर स्टिल पेंडिंग। इंजीनियरिंग हो गया, बी फार्मेसी हो गया, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेट्स सी, आई थिंक कुछ ना कुछ अपडेट इस मंथ में आने वाली है। काफ़ी सारी अपडेट्स इस मंथ में आएंगी। 89.6% चांसेस है AMT स्कूल श्रीनगर GNM। GNM में आपके चांसेस वेरी हाई हैं क्योंकि आपकी परसेंटेज ऑफ ऑन ए हायर साइड है, ठीक है। और उसके बाद सर प्लीज़ टेल मी एनी, मुझे कोई चांस है GNM में श्रीनगर गवर्नमेंट कॉलेज विद 85% विद EWS कैटेगरी? चांसेस आर देयर, ठीक है, क्योंकि 85.2% है तो चांसेस आर देयर, बट मेरिट इस बार हाई जाएगा GNM का, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद सर आई हैव 68.8% चांस इन प्राइवेट कॉलेज। येस, चांसेस आर देयर इन प्राइवेट कॉलेजेस। 12th GNM काउंसलिंग का कुछ बताओ सर। मिडल ऑफ अगस्त में कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी, ठीक है। उसके बाद सर विद 65.5% विद ST देयर आर एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज GNM? प्लीज़ रिप्लाई सर। चांसेज आर देयर बिकॉज आपकी कैटेगरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस हो सकते हैं आपको, ठीक है। ने बोला गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आई थिंक इसमें इन्होंने परसेंटेज मेंशन किए, काइंडली मेंशन योर परसेंटेज। 73.68% एनी चांस इन गवर्नमेंट RBA गवर्नमेंट कॉलेज? 50-50 चांस है, परसेंटेज ठीक है लेकिन कैटेगरी भी है आपकी। लेट्स सी, चांसेस आर 50-50% ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भी पूछा है सर आई हैव 79% 12th, कैन आई गेट एडमिशन इन डी फार्मेसी? प्लीज़ टेल मी, आई एम कन्फ्यूज्ड। डी फार्मेसी में पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज हैं वो प्राइवेट हैं, तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस का मेरे को तो नहीं मिला। आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपने एंड से, मेरे को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला डी फार्मेसी के लिए, प्राइवेट ही है। इन्होंने पूछा आई हैव 97.3% इन 12th, तो आपके वेरी हाई चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के, ठीक है। एनी आइडिया अपडेट? आई थिंक इन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में पूछा था, आई थिंक अगस्त में ही कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने पूछा है सर मेरा 27th को FMPAW की काउंसलिंग थी, भरा था, तो इन्होंने ये जानने के लिए मेरे को पूछा था कि अब जा सकता हूँ, तो मैंने इनको रिप्लाई किया है कि काउंसलिंग पोस्टपोन हो चुकी है। फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद जितने भी डेज ऑफ काउंसलिंग थी पोस्टपोन हो चुकी है, तो आप वेट कर लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे। आई हैव 83.8% एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज? प्लीज़ रिप्लाई। तो चांसेस आर देयर, परसेंटेज आपकी हायर साइड पे चांसेस हैं आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के, ठीक है। इनको मैंने कुछ रिप्लाई किया था, इन्होंने कुछ क्वेश्चन पुट अप किए थे रिगार्डिंग, क्योंकि डिले हो रही थी काउंसलिंग उसके बारे में, तो मैंने इनको यही बताया था कि हर साल कुछ डिले होती है, लेकिन इस बार इसलिए डिले हो रही है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं और कोविड सिनेरियो भी है, तो नॉम्स फॉर्म्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा इसमें, तो यू हैव टू वेट। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अवर चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। सर 60% ST कोई चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का? आई थिंक इन्होंने 10th बेस के ऊपर किया है, 12th बेस पे किया, इन्होंने मेंशन नहीं किया कोर्स, लेकिन परसेंटेज आपकी लोअर साइड पे है। लेट्स सी, चांसेस मुझे प्राइवेट के ज़्यादा लग रहे हैं। FMPAW की कब है? FMPAW की फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कोई ना कोई इसी वीक में अपडेट जरूर आएगा। सर आई हैव 67% एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस EWS कैटेगरी? मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट के ज़्यादा चांसेस हैं। इन्होंने पूछा 62% RBA कैटेगरी AMT स्कूल बारामूला एक्सरे सीट मिल सकती है क्या? लेट्स सी, परसेंटेज आपकी लोअर साइड पे, लेकिन कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर कैटेगरी दोनों के केसेस में कैटेगरी है, EWS है और एक में, लेकिन परसेंटेज थोड़ी 62.60% थोड़ा लोअर साइड पे है, मे भी मिल जाए, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं मिलेगी, लेकिन चांसेस अभी मैं श्योर नहीं बोल सकता आपको कि मिल जाएगी, क्योंकि परसेंटेज आपकी लोअर साइड पे है। विद RBA कैटेगरी यानी चांसेस इन GNM जम्मू, चांसेस आर देयर, 75% है, RBA कैटेगरी भी है, तो चांसेस आर देयर। 66% गवर्नमेंट मिल सकता है GNM में, प्राइवेट के ज़्यादा चांसेस मुझे आपके लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थैंक यू सर, इन्होंने बोला रिप्लाई किया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल, सपोर्टिंग अवर वीडियोज, सपोर्टिंग अवर चैनल। सर 12th बेस पर मेडिकल डी फार्मेसी में गवर्नमेंट सीट मिलेगी विद RBA? मैंने आपको पहले भी बताया कि डी फार्मेसी में मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज जितने भी हैं प्राइवेट हैं, तो चांसेस मुझे
प्राइवेट के ही लग रहे हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इन्होंने मुझसे यही पुटअप किया था क्वेश्चन कि जिस दिन उनकी काउंसलिंग थी उस दिन ये छुट्टी पे, मतलब उस दिन नहीं जा पाए थे उन्होंने काउंसलिंग कर ली, तो नेक्स्ट डे फिर काउंसलिंग पोस्टपोन हो गई है। मुझे जो पर्सनली ये लगता है कि आपकी जब भी काउंसलिंग होगी, अब स्टार्ट होगी, चाहे स्टार्टिंग से हो या सेकेंड डे 500 ऑनवर्ड स्टार्ट हो, लेकिन आप काउंसलिंग पे जा सकते हो और आप एक बार जाके बीओपी ऑफिस में ये चीज़ आप बता सकते हो। फिर अभी एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, 32 पॉइंट्स ओपन माई टेनिंग चांस प्लीज़। मैंने इनसे इनको रिप्लाई किया है कि आप कोर्स बताइए, आई थिंक ये बीएससी नर्सिंग का बोल रहे हैं, तभी इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो पॉइंट्स और ने लोअर साइड हैं, ओपन मेरिट भी है, प्राइवेट के चांसेस हैं, अगर मिलेगा तो प्राइवेट ही। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो फ्रेंड्स जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट दे दूँगा, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।